Hello and welcome to Simple Yet Savvy. I am Vijaya and I make videos on frugal living and home makeovers. आज का वीडियो बहुत ही एक्साइटिंग और बहुत ही यूनिक होने वाला है. ये बाइलिंगुअल है क्योंकि इसमें थोड़ा हिंदी और थोड़ा इंग्लिश का यूज किया गया है. एंड सेकेंडली बिकॉज आई एम वर्चुअली मेकिंग ओवर अ प्लेस फार फार अवे फ्रॉम इंडिया. मेरी फ्रेंड शिफाली और ऋषि ने एक बहुत ही सुंदर और प्यारा सा घर खरीदा है ऑस्ट्रेलिया में रिसेंटली. एंड आज हम देखने जाएंगे कि कैसे वो अपने डाइनिंग एरिया का मेकओवर करते हैं विद अ लिटिल हेल्प फ्रॉम मी. हमने इस प्लेस को वर्चुअली मेकओवर करने की कोशिश की है. तो आई होप कि आपको भी इस वीडियो को देखने में उतना ही मजा आएगा जितना कि हमें आया इसे बनाते हुए. In this video, we are covering the before process. You'll get to see के वो जगह पहले कैसे दिखता था. You'll also get to see the designing process, जहाँ के आप देखेंगे कि कैसे हमने उस design को conceptualize किया, कैसे हमने मिलकर उस design को finalize किया. And thirdly, you will see the transformation of the place itself, जहाँ के आप देखेंगे कि कैसे ऋषि और शिफाली ने मेरे ideas implement करते हुए, अपने ideas add करते हुए इस जगह का makeover किया और इस मेकओवर को करते हुए पूरा प्रोसेस भी शूट किया. बट सबसे पहले चलिए देखते हैं कि उनके रिक्वायरमेंट्स क्या थे. हाय विद्या, एज यू नो वी मूव टू आवर न्यू हाउस इन द मंथ ऑफ दिसंबर. आई डोंट हैव एनी डाइनिंग एरिया. पहले तो वी वर नॉट एबल टू डिसाइड इवन कि कौन सा एरिया को डाइनिंग एरिया बनाएं, बट नाउ बिकॉज वी हैव डिसाइडेड राइट नाउ वो बिल्कुल ऐसे टेबल चेयर की तरह यूज हुआ है. हमारा पर्पस सफिस हो रहा था विद दैट बार स्टूल एंड यू नो किचन स्लैब पे वी वर एबल टू इट बिकॉज बट एज वी वर ओनली टू इट वॉज ओके. बट नाउ यू नो इंडिया से पेरेंट्स आए हुए हैं और ऋषि के कजन आए हुए हैं. एज यू कैन सी देर आर मेनी पीपल एंड इट्स ओनली अ सिटिंग ऑफ थ्री. आई नीड सम डाइनिंग एरिया विच कैन अकोमोडेट एट लीस्ट सिक्स पीपल एट अ टाइम. And one most important thing, I'm looking for a very, very unique idea. I am sure after looking at the coffee nook video of yours, you rocked it. I am really, really sure you would give me a very, very unique idea within my budget. Looking forward to see your help. We already have a beautiful breakfast nook, jahan inhone tall bar chairs lagaye hue hain. बहुत प्यारी सी जगह है बट इनकी रिक्वायरमेंट है अभी 6 सीटर डाइनिंग एरिया की. लेट्स हियर व्हाट ऋषि हैज टू से. वी नीड लॉट ऑफ सजेशंस एंड वेरी वेरी कंफ्यूज्ड फ्रॉम द बजट साइड. एज यू कैन नो लाइक वी हैव रिसेंटली शिफ्टेड टू अ न्यू हाउस. ऑब्वियसली द फाइनेंस इज अनदर थिंग व्हिच आई नीड टू लुक फॉर. बट आई डोंट वांट टू रियली स्पेंड टू मच ऑन माय डाइनिंग रूम. लेट्स सी हाउ दिस एरिया विल ट्रांसफॉर्म. सो हमने रिक्वायरमेंट्स नोट कर लिए, साथ ही हमने एक बजट भी सेट किया विच वॉज अबाउट 20,000 इंडियन रुपीज. इट कम्स टू अबाउट 400 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स. नाउ दैट द रिक्वायरमेंट वॉज क्लियर, द बजट वॉज क्लियर, देर वॉज अ नीड टू अंडरस्टैंड के उनका डिज़ाइन स्टाइल क्या है, उनकी पसंद और नापसंद को भी समझना था. सो आई डिसाइडेड टू क्रिएट अ मूड बोर्ड ऑन पिंटरेस्ट फॉर देम. अब मूड बोर्ड के ये फायदे हैं कि यू गेट टू कॉन्ट्रीब्यूट कि आपको किस टाइप के डिजाइन पसंद आ रहे हैं. यू कैन क्रिएट अ पिक्चर कोलाज ऑफ ऑल द पिक्चर्स दैट यू आर लाइकिंग ऑफ द डाइनिंग एरियाज, कलर पैटर्न, स्कीम्स, जो भी आपको पसंद आ रहे हैं ये सारे आप एक जगह पर डाल सकते हैं. एंड स्लोली इट स्टार्ट्स बिकमिंग क्लियर कि वॉट काइंड ऑफ डिजाइन आर यू रियली लाइकिंग. इनिशियली आई रिकमेंडेड देम एन इंडस्ट्रियल लुक विच यूजेस अ लॉट ऑफ मेटल एंड अनफिनिश्ड वुड लुक. आई ऑल्सो रिकमेंडेड अ स्कैंडिनेवियन और यूरोपियन स्टाइल ऑफ डेकोर, जहाँ के काफ़ी न्यूट्रल कलर्स एंड प्लेन सिंपल डिज़ाइंस यूज किए जाते हैं. द एंड रिजल्ट इज़ वेरी क्लीन एंड नीट एंड ब्राइट. बट आई अंडरस्टूड दैट दे वर ग्रेविटेटिंग टूवर्ड्स द इंडियन लुक. उनको ब्राइट कलर्स एंड पैटर्न्स काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहे थे. सो फाइनली वी डिसाइडेड दैट वी विल गो फॉर एन इंडी मिनिमल लुक. दे वॉन्टेड टू यूज अ लॉट ऑफ इंडियन कलर्स एंड पैटर्न्स बट दे डिड नॉट वॉन्ट द एंड रिजल्ट टू बी क्लटर्ड. एकदम क्लीन एंड सिंपल लुक चाहिए था. We decided to go with the traditional Indian low seating dining and I was super excited. Idea ye tha ki ek simple sa table ho
और बैठने के लिए हम कुशन्स यूज करने वाले थे। साथ ही हमने कलर पैलेट भी चूज कर लिया। प्लान ये था कि थोड़ा सा ब्लू और थोड़ा सा ऑरेंज का एक बहुत ही यूनिक एंड इंडियन कलर स्कीम हम यूज करें सिंपल पैटर्न्स एंड डिजाइंस के साथ। अब जो मेन लुक है वो इंडियन होना था, तो जो रग थी वो भी हम इंडियन लुक वाली ढूंढ रहे थे। तो चैलेंजेस ऑस्ट्रेलिया में इस टाइप का रग कहाँ मिले, क्योंकि ये रग सभी को काफी पसंद आया था, पर शिफाली ने फाइनली इसे ढूंढ ही निकाला। वी ऑल्सो डिसाइडेड टू गो फॉर दिस काइंड ऑफ फ्लोर सिटिंग कुशंस, एंड हम ये भी होप कर रहे थे कि हमें ये सेम सेम कलर मिल जाए, क्योंकि दिस वॉज अ परफेक्ट मैच विद द ब्रेकफास्ट एरिया वाला वॉल कलर। सो वंस द मूड बोर्ड वॉज सेट, वी स्टार्टेड टू क्रिएट आवर शॉपिंग लिस्ट। हमें चाहिए था एक लो डाइनिंग टेबल, 6 कुशंस, एक सुंदर सा कारपेट, एक टेबल रनर भी चाहिए था और थोड़े से प्लेसमैट्स, एंड देन फाइनली वी ऑल्सो नीडेड अ फ्यू डेकोरेटिव निकनैक्स। सो पहला आइटम था एक लो डाइनिंग टेबल, जो कि हमें एज इज नहीं मिला। ऋषि वेंट टू द सालवेशन आर्मी, विच इज अ चैरिटी बेस्ड थ्रिफ्ट स्टोर, एंड इससे दो पर्पज सॉल्व हुए। एक, हमें टेबल काफ़ी सस्ते में मिला, एंड द सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग वॉज ऋषि एंड शिफाली ऑलवेज लाइक द कॉन्सेप्ट एंड आइडिया ऑफ रिसाइकल्ड गुड्स। सो दिस वॉज अ रेगुलर साइज टेबल टू बिगिन विथ, सो ऋषि गॉट इट ट्रिम्ड और कट टू आर पर्पसेस। सो लेट्स सी अ क्लिप ऑन हाउ इट वॉज ऑल असेंबल्ड। जब हमने लो डाइनिंग सेलेक्ट किया था, वी वर ओनली लुकिंग एट अ वेरी यूनिक लुक, बट लेटर ऑन वी ऑल्सो केम टू नो ऑफ अदर हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ अ लो डाइनिंग एरिया, जैसे कि इट रिलैक्सेस योर माइंड एंड बॉडी, एंड ऑल्सो इट एड्स इन डाइजेशन व्हेन यू सिट ऑन फ्लोर एंड हैव योर मील। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर अ यूनिक डाइनिंग स्पेस फॉर योर सेल्फ, डू कंसिडर अ लो डाइनिंग एरिया। एक और चैलेंज जो हम फेस कर रहे थे वो ये था कि पीछे वाली जो दीवार थी दैट वॉज वेरी प्लेन, देर वॉज नथिंग इन देयर। We wanted to do something there which would be unique. So, हमने सोचा कि हम baskets से कुछ करते हैं. We also thought of using stencil art, but nothing was kind of working out. And then one day Shivali surprised me कि they have finally decided what they want to do with that wall. They created a prism kind of a look, very colorful. Let's see how they designed this wall with the help of the entire family. After the wall was ready and साफ सफाई हो जाने के बाद, this is how wall was looking. तो अब हमने असेंबली का काम शुरू किया, starting with this beautiful wrought iron wine rack. I have always believed that plants bring so much life to a place. So, आप भी अपने घर पर कुछ ना कुछ प्लांट जरूर रखें। हमारी वॉल तैयार थी, टेबल भी रेडी था, बस कारपेट का इंतजार था। So next morning, when the rug arrived, we were all set to complete the makeover. We were all very excited कि जैसा हमने सोचा था, काफी similar हमें सारे items मिल गए थे। इस budget makeover के सारे items कहाँ से लिए गए और कितने dollars में लिए गए, इन सब की details मैंने नीचे description box में डाल दी है। कि कारपेट का कलर और पैटर्न हमने ज्योमेट्रिक चूज किया था, इसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए सारे कुशंस और टेबल रनर और बाकी सारी चीज़ों का डिज़ाइन काफ़ी मिनिमल है, ये काफ़ी प्लेन है, ताकि कारपेट का जो कलर और डिज़ाइन है वो उभर के आ सके।
और फाइनली इस सुंदर से ब्रास प्लेट में एक छोटा सा कैंडलस्टिक और अपने गार्डन के फ्रेश फ्लावर्स शिफाली ने यहाँ लाकर रखे। विद दिस द एंटायर डाइनिंग एरिया वॉज सेट। सो चलिए देखते हैं द फाइनल लुक। Well, thanks to you, Rishi and Shefali, for trusting me with this makeover. I had a great time doing this for you. उम्मीद है कि आप और आपकी फैमिली यहाँ पर काफी सारा अच्छा टाइम बिताएंगे and you will have lots of wonderful meals and family time together in this place. एंड अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल और ऑल्सो शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। एंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई एम ऑल्सो गोइंग टू लिंक द प्लेलिस्ट ऑफ ऑल द रेस्ट ऑफ द मेकओवर वीडियोज, ताकि अगर आप मेकओवर्स पसंद करते हैं तो प्लीज़ वॉच द रेस्ट ऑफ द मेकओवर्स। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम @simpleatsavvy। आई विल सी यू सून। कीप हेल्दी, स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।